हाय फ्रेंड्स, मैं ऑसम माइंड सीरीज की इस वीडियो में आप सभी को वेलकम करता हूं। मैं आज आपको इस वीडियो में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बताऊंगा, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा हर साल आयोजित देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा के लिए होने वाली इस परीक्षा के जरिए आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस सहित ग्रुप ए लेवल की देश की करीब 2 दर्जन सेवाओं में नियुक्तियां की जाती हैं। इनमें ग्रुप ए की भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय आयुध कारखाना सेवा, भारतीय सूचना सेवा, कॉरपोरेट विधि सेवा सहित ग्रुप बी की कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं भी शामिल होती हैं। इस साल की परीक्षा के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या करीब 782 है। सिविल सेवा परीक्षा की बात करें तो पिछले 10 सालों में प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या में लगभग 350% का इजाफा हुआ है। वर्ष 2007 की प्रारंभिक परीक्षा में जहां सिर्फ 3,33,680 कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था, वहीं 2016 आते आते यह संख्या 11,35,943 हो गई। देखा जाए तो इन वर्षों में हर साल संख्या में लगातार इजाफा होता गया, हालांकि रिक्तियों की संख्या 700 से 1200 के बीच ही रही है। सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके लिए ना तो कोई अंकों की बाध्यता होती है, ना ही किसी स्ट्रीम की। आवेदक की उम्र 21 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट्स को अधिकतम उम्र में 5 वर्ष और ओबीसी से संबंधित कैंडिडेट्स के लिए 3 वर्ष की छूट का प्रावधान है। सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम 6 बार शामिल हो सकता है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए अवसरों की संख्या 9 है, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीमा नहीं है। अब मैं आपको इस परीक्षा के प्रारूप के बारे में बताता हूं। प्रारंभिक परीक्षा, पहले चरण की प्रारंभिक परीक्षा एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित 200-200 अंकों के 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का है और दूसरा सिविल सेवा एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सी सेट का। सी सेट पेपर क्वालिफाइंग है, यानी 33% प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को इसमें पास मान लिया जाएगा। मेरिट की गणना पहले यानी जीएस के पेपर के आधार पर की जाएगी। गलत उत्तरों के लिए नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होने के कारण उत्तर सोच समझकर दिए जाने चाहिए। दूसरा, प्रधान परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को प्रधान या मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाता है, जो निबंधात्मक प्रकृति की है। इसमें भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी का अनिवार्य क्वालिफाइंग पेपर होता है। इन दोनों प्रश्न पत्रों में कम से कम 25% अंक पाना अनिवार्य है, तभी बाकी प्रश्न पत्रों के उत्तरों की कॉपियां जांची जाती हैं। इसके अलावा निबंध का अनिवार्य प्रश्न पत्र भी है, जिसके लिए 250 अंक निर्धारित हैं। चूंकि 3 घंटे की अवधि में किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना होता है, इसलिए ज्यादातर कैंडिडेट्स विषय से भटक जाते हैं। जबकि अगर संक्षिप्त और टू द पॉइंट लिखा जाए तो इसमें अधिक से अधिक नंबर हासिल किए जा सकते हैं। इसके लिए अपने लेखन को प्रभावशाली बनाना होगा। विषय से संबंधित ताजा उद्धरण भी दिए जा सकते हैं। मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 4 अनिवार्य प्रश्न पत्र भी होते हैं। प्रत्येक के लिए 250 अंक निर्धारित हैं। यूपीएससी की सूची में से कोई एक वैकल्पिक विषय भी चुनना होता है, जिसके लिए 250-250 अंक के 2 पेपर होते हैं। लास्ट होता है इंटरव्यू। मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर रिक्तियों की तुलना में करीब 2.5 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए यूपीएससी के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय धौलपुर हाउस बुलाया जाता है। इसके लिए कुल 275 अंक होते हैं। फाइनल सिलेक्शन, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर अंतिम वरीयता सूची यानी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। चयनित कैंडिडेट्स को उनकी सेवा के अनुसार प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित अभ्यर्थियों को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाता है। अब मैं समझता हूँ, फोकस्ड करके धारणाओं को अच्छी तरह समझा जाए तो इस परीक्षा के लिए कोचिंग जरूरी नहीं है। सामान्य अध्ययन के लिए एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 12 तक की विभिन्न विषयों की पुस्तकों को आधार बनाकर तैयारी की जा सकती है। राष्ट्रीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र पढ़ें और नोट्स बनाएं। 2013 के टॉपर रहे जयपुर के गौरव अग्रवाल का कहना है, बेसिक बुक्स पर फोकस करके और अपनी बेसिक नॉलेज क्लियर करनी चाहिए।